हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आज का आपका टॉपिक फिजिक्स का नहीं है, बट किसका है? हिंदी ग्रामर का टॉपिक हमने लिया हुआ है। तो हिंदी ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप देख सकते हैं। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका रोला छंद। क्या होता है रोला छंद? आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल से आपको स्पष्टीकरण इसका देंगे। ठीक, तो ये बात हुई इसके रोला छंद की पूरे प्रोसेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है? यह एक सममात्रिक छंद है। रोला छंद कैसा है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होते हैं? चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं, जिसमें टोटल मात्राएं जो होती हैं आपकी 24 मात्राएं होती हैं। टोटल मात्राएं इनकी जो होती है रोला छंद की 24 मात्राओं की होती है प्रत्येक चरण में। ठीक, 24 मात्राएं होती हैं इनके प्रत्येक चरण में। पहले जो यति होती है, यति आप देख सकते हैं, ये जो कॉमा लगा है, कॉमा इससे पहले, कॉमा के पहले और बाद में क्या होती है? यति होती है। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक, पहले पहले वाला जो चरण होता है उसमें 11 और यति के बाद जो चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती है, टोटल मिला के 24 मात्राएं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमने लिया है, आप देख सकते हैं, जीती जीती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जीती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से मन मेट, निज बल से मन मेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, जिनके आगे कोई जंगी और जहाजी नहीं ठहर सकता है, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, जीती जीती हुई जिन्होंने भारत बाजी। आप देख सकते हैं, अगर बात करें मात्राओं की, तो आप मात्राएं कैसे लगाएंगे? तो हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, जब दोहा का वीडियो बता रहे थे, कि अगर क्या हो, छोटा आ है, जैसे छोटा आ है, छोटी ई, इसमें क्या होता है? छोटा ऊ, तो इसमें जो मात्राएं लगती है वो सिंगल लगती है। और अगर बड़ा है, मे, जैसे मे, कुछ भी बड़ा हो, बड़ा आ, बड़ा ए, बड़ी ई, तो उसमें क्या लगता है? उसमें दो वाली, ये वाली आकृति बनती है। ठीक है, तो जीती जीती में दो 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 दो, तो कितनी होगी? दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह। इधर कितनी होंगी? एक दो दो चार, एक पाँच, दो सात, दो नौ, दो ग्यारह, दो तेरह। देख सकते हैं 11 और 13 कितना होता है? 24। ऐसे ही ये मात्राएं इसमें भी लगाएंगे। निज बल से मल मेट, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, एक ग्यारह, और इसमें कितनी होगी? इसी तरह से होंगी 13। तो बात करें इसके स्पष्टीकरण के बारे में, तो अभी आपने देखा इसका की डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल। तो अब बात करें इसके स्पष्टीकरण के बारे में। इस उदाहरण में पहले यति के पहले 11 और 13 मात्राएं आई हैं। 11 प्लस 13 टोटल कितनी हुई? 24। अतः यहाँ पर क्या है? रोला छंद है। ठीक, तो ये बात हुई रोला छंद की डेफिनेशन की, इसके एग्जांपल की, इसके स्पष्टीकरण की। तो अगर आपको रोला छंद अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।